तो हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग? होप सब कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक बेंचर्स में एक बार आप सभी का बहुत बहुत वापस से स्वागत है। ओके, सो जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, सो मैं और कोशिश करते जा रहा हूँ कि आपके लिए और आसान होता जाए सब कुछ, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे फैमिली बड़ी बनती जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती जाती है। ओके, सो एक कमेंट्स आए थे कुछ कि आपने दो जो लास्ट वाले BHIC 132 स्पेशली इस बुक के जो लास्ट के दो चैप्टर रहते थे वो हमने नहीं किए थे। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि एक्चुअली एग्जाम टाइम आ चुका था और मैंने आपको बिल्कुल मैक्सिमम हमारा 90% सिलेबस हो गया था, इसलिए मैंने तीन चैप्टर छुड़वा दिए थे। बट अगर आप चाहते तो मैं भी अब आपके बोलने पे मैं वापस उन तीनों चैप्टरों को हम वापस से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो तीनों चैप्टर बचे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई मुश्किल होगी। तो टाइम वेस्ट करते अपने उन तीन चैप्टर जो 14, 15 और 16 चैप्टर हमने पढ़ने वाले हैं, अपने इन तीन तीन चैप्टर बचे हैं आठ के, सो हम इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन तीनों चैप्टरों में से आज का जो चैप्टर है सोशल स्ट्रक्चर एंड जेंडर रिलेशंस, राइट? और इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक आता है लॉन्ग आंसर में और एक शॉर्ट में आता है। ओके, सो बिल्कुल ध्यान देना है, लिटरली लेना। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी होने वाला है शायद, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक स्कॉलर की, हर एक आप इंडिविजुअल की अपनी इस पर हैं। ओके, अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है? सो उस किसी एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर उसको जज नहीं करना और हेट नहीं फैलानी है, सबसे पहले बड़ी बात ये है, ठीक है? सो जैसे मैं हूँ, मैं तो जो बुक में लिखा वही आपको बता रहा हूँ। सो आपकी भी अपने पॉइंट विचार हो सकते हैं, लेकिन उनके बेसिस पे आपको एक दूसरे को जज नहीं करना है, जो कि मैंने पहले बता दिया हुआ है। ओके, सो उसी के साथ मैं कोई चीज़ बताना चाहता हूँ। जब स्टार्टिंग में जो मेरी पहले इस वीडियोस बनी हैं BHIC 132 पे, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, कुछ समझ नहीं आ रही है, राइट? और एक भाई ने तो बोला था कि लाइक आप रैप गा रहे हो, क्या सॉन्ग्स में जो रैप होता है जो बड़ा फास्ट फास्ट होता है। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल नई नई वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, सो मैं एक वीडियो में कोशिश करता था कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका बार बार मुझे पता था कि मुझे लगता था कि वीडियो अगर दो पार्ट्स में आएगी तो शायद ही आप देखना पसंद नहीं करेंगे या फिर आप बोर हो जाएंगे अलग अलग। लेकिन मैं इसी से कोशिश करता था कि अगर आपका एक बार इंटरेस्ट बन जाए एक वीडियो तो पूरे कंप्लीट हो जाती, इसलिए वो 40 मिनट्स की बन जाती थी, राइट? 40, 59 मिनट्स की, सोचो आप इतना लंबा मैं आपके लिए एक घंटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके बाद जब उसको एडिटिंग वगैरह में करता था तो उसको 1.5 या फिर 2x की स्पीड में रखता था, ताकि वो उसकी हाफ आ जाए और वो जल्दी जल्दी 20, 20, 30 मिनट्स की वीडियो बने सिर्फ, और आपको देखने में आसानी हो। और जब आप उसको देखना स्टार्ट करो तो यूट्यूब से ऊपर जाके सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड में जाके आप उसको कम कर सकते हो, नॉर्मल से थोड़ा सा 0.7 पे रख सकते हो, वो आपको समझ आएगी। इतना तो आपको वैसे पता होना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी कुछ गाइस ने मुझे ये बोला, लेकिन चलो मैंने उनकी बात को सीरियस लिया। और अब इस ये जो हमारा ये वाला चैप्टर ये भी काफ़ी बड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है, और इसको हम इसलिए दो पार्ट्स में लाएंगे। ओके, सो सोशल स्ट्रक्चर एंड जेंडर रिलेशंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, नॉट एज अ ओनली स्टूडेंट ऑफ इग्नो, नॉट ओनली एज अ स्टूडेंट ऑफ BA बट ऑल्सो एज अ मेम्बर ऑफ सोसाइटी। सो हमको ये टॉपिक जो है ना, ये काफ़ी समझने की ज़रूरत है और इस पर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, राइट? कि किस तरह से उस टाइम पीरियड में जो सोशल रिलेशंस थे, ठीक है, किस तरह से वो चेंज हुए और आज के टाइम पे हमारी क्या सोच है उसके, उसको लेकर। उस टाइम पे कितना ज़्यादा क्रूर थे जो राजा डोमिनेट थे दूसरी क्लास पे, किस तरह से जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने डोमिनेंसी लाई थी। अब ये बोल के मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस देखो उस टाइम का वैसे सिस्टम, जैसे हम देखते हैं ऋग्वेदिक टाइम से जब ये सिस्टम चला आता जा रहा है, राइट? सो उस टाइम क्या था, जो ब्राह्मण्स थे उनके पास क्या था, उनको वो पढ़े लिखे होते थे, राइट? उस टाइम के, देखो अभी हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है जिसमें हम पौराणिक हिंदुइज्म और वैदिक हिंदू ब्राह्मणिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है? किस तरह से जो ब्राह्मणिज्म का डिक्लाइन हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो डोमिनियंस की थी वो उनकी पीक पर पहुंच चुकी थी, राइट? उनकी जो डोमिनियंस थी वो पीक पर पहुंच चुकी थी, इससे वो डाउनफॉल हो गया, राइट? ओके, सो यही हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट को। जो ऋग्वेदिक टाइम से जो ब्राह्मण्स थे उनको संस्कृत आती थी, राइट? उस टाइम के तो जैसे जो ऋग्वेद उपवेद जो उस टाइम के जो बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो सिर्फ उन्हीं को आते थे। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो भी सेक्रीफाइसेस थे, जो रिलीजियस सेक्रीफाइसेस थे, ओके, जो कि निर्वाण दैट इज पीस शांति के लिए ऐसे माना जाता था कि एक इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं, ओके, वही कंडक्ट करवा सकते थे कौन? ब्राह्मण्स करवा सकते थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मण्स में डोमिनियंस आने लगी। हमको सबसे पहले पता कि सबसे बड़ा कौन होता है, रूलर होता है, किंग होता है। बट किंग को भी डोमिनेट किया किसने? ब्राह्मण्स ने। क्यों? क्योंकि उनके पास जो थी वो सैक्रिफाइसल जो ट्रेडिशंस थे वो सिर्फ वही परफॉर्म करते थे। सो दैट इज वाई कि जो ब्राह्मण्स की जो एक डोमिनियंस थी वो पीक लेवल पे पहुंच गई थी, और उससे ज़्यादा वो डाउनफॉल होगी पुरानी हिंदुइज्म आने की वजह से, बुद्धिज्म के आने की वजह से। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म ने लोगों को उनके लोकल लैंग्वेज में सिखाया, उनके घर घर तक पहुंचे, ऑब्वियसली, राइट?
सो ये नॉर्मल सी मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शनरी था, और जो ये हमारे आने वाले चैप्टर जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पे बात होने वाली है, ठीक है। सो आज का सो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक कौन सा वाला देखते हैं। ओके, सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन। सो उससे पहले एक मिनट हम थोड़ा पीछे जाके देख लेते हैं हमारा जो चैप्टर कौन सा है, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर एंड जेंडर रिलेशन 1700 to 1200 CE। ओके, सो इस टाइम पीरियड को मैं पहले बता दूँ आपको, इस टाइम पीरियड को अर्ली मेडिवल एरा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में हम तो देखते हैं कि अरब इन्वेजन होती है, मुस्लिम रूल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब डोमिनियन स्टार्ट कर देता है, मतलब एरिया ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देता है। और इसी टाइम पीरियड के बीच दैट इज़ राजपूतनाइजेशन बोलते हैं। ओके, आगे जाने पड़ने वाले राजपूतनाइजेशन। ओके, क्या देखते हैं राजपूतनाइजेशन क्या होता है, उसका प्रोसेसेस क्या होता है, ठीक है, किस तरह से राजपूत बाद में डोमिनेट आए। देखो, जैसे ब्राह्मणिज्म जब डोमिनेट आया था ना, जब ब्राह्मणिज्म जब डोमिनेट होकर अपने पीक पे चला गया, और जब ब्राह्मणिज्म डाउनफॉल होने लगा तब राजपूत राइज करने लगे, राइट। सो एक टाइम पर क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र जो थे वो तीनों एक दूसरे के मतलब उनके विचार मिलने लगे, दैट इज कि ब्राह्मण्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया है, हमारा कारण टाइम कब आएगा। सो क्षत्रिय एक टाइम ऐसा आ गया था कि क्षत्रिय डोमिनेट करने लग गया, राइट, और ब्राह्मण्स जो थे वो डाउनफॉल हो गए। और एक टाइम पर ऐसा आया कि जो ब्राह्मण्स ने उन्होंने भी जो लोकल विलेज थे जैसे नॉर्मल पीपल से उनकी तरह दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी दैट इज एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था जब मुस्लिम रूल आया, क्योंकि मुस्लिम रूल्स ने स्टार्टिंग में ही जब आया था तो उस टाइम उन्होंने ब्राह्मण्स पे ज्यादा अटैक नहीं किया, डोमिनेट ठीक है, लेकिन उसके साथ 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 थोड़ा 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 करते करते उन्होंने उनको भी डोमिनेट किया। और ऑब्वियसली जब मुस्लिम रूल आएगा तो अपने ही कल्चर अपने ही धर्म को प्रमोट करेगा, ठीक है। सो मुस्लिम रूल के राइज से काफ़ी ज़्यादा जो ब्राह्मणिज्म था उसको डाउनफॉल हुआ। ओके, सो ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन था, आगे चलते हैं देखते हैं क्या होने वाला है हमारे सेक्शन। ओके, सो सबसे पहले ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। सो मैं आपको बोलूँगा कि नोट कर लीजिए आप ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो ये है सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन दैट इज 700 to 1200, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बीच में क्या सोर्सेज हमको मिलते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में यही हुआ। मैंने आपको पहले बताया वो सोर्सेज क्या होते हैं, दैट इज इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ओके, और भी सारी चीज़ें उस टाइम की, दैट इज आर्कियोलॉजिकल भी होती है, मैंने आपको बताया डेटिंग मेथड, एक्चुअली वो नहीं बताया डेटिंग मेथड नहीं बताया सॉरी, सो इंस्क्रिप्शन वगैरह, अच्छा वो भी 132 में है, 131 में, मैं वो भी बड़ी जल्दी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सो हमको जब अपने पास्ट के बारे में जानना होता है, राइट, अभी हम बोलेंगे कि यहाँ से हमको आज के टाइम पर हम बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको इस जगह पर ये मिला, इस जगह पर ये मिला, राइट, वो किस बेसिस के आधार पर बोलते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड लिटरेरी रिसोर्सेज, ठीक है। दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है। जो लिटरेरी रिसोर्सेज होते हैं उसमें आते हैं टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, ठीक है, रिलीजियस बुक्स, और जो उस टाइम पे लिखे गए हों, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे टेक्स्ट मिले हैं जो कि जिनकी आज भी समझ नहीं है, उनको अभी कोशिश की जा रही है समझने की, ऐसा एग्जाम्पल था। ओके, थोड़ा डीप में चल गया उसके, ओके सॉरी। सो इस पे आते हैं अपने सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, कौन से ऐसे सोर्सेज जिसमें जिसके बारे जिससे हमको पता लगता है 700 से लेकर 1200 तक के बीच में क्या क्या एक्टिविटी हुई थी, क्या क्या सिस्टम्स आए थे। ओके, दैट इज सब वो हम इधर पढ़ने वाले हैं। ओके, कौन कौन से फेमस राइटर्स थे, कौन कौन से ऑथर थे, ये भी हमको इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, रुको। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक ओवर, दैट इज सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन। संस्कृत केम आउट ऑफ क्लचेस ऑफ स्कैंडल्स एंड बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल एंड लिटरेचर बाय द एंड ऑफ पीरियड एमर्जेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज स्टार्टिंग चैलेंजिंग द डोमिनेशन ऑफ संस्कृत इन लिटरेचरी प्रोडक्शन। देखो, मैं आपको पहले बताया दैट इज जब ब्राह्मणिज्म जो है अपने पीक राइज पे पहुंच गया था, ब्राह्मणिज्म ने जो डोमिनेट कर दिया था सोसाइटी को, क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म थे ओबियसली, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, सो जो उनको संस्कृत आती थी, मैंने आपको पहले बताया, बट ये था कि जो है जो ब्राह्मण है, मैंने आपको पहले बताया था हायरार्की चलती जा रही है, सो ब्राह्मण का बेटा से ब्राह्मण ही बनेगा। ओके, सो जो दूसरी कास्ट वाले लोग हैं वो ब्राह्मण नहीं बन सकते थे, हालांकि क्षत्रिय वैश्य और शूद्र पे ये रूल अप्लाई नहीं था, जो किंग थे जैसे हमने बात की कुषाण, जो हिंदू कुषाण, जो इंडो ग्रीक रूलर थे, वो बाद में कन्वर्ट होकर क्षत्रिय क्लेन में आए थे, लेकिन वो ब्राह्मण में नहीं जा सकते थे, ब्राह्मण से वही बनता था जो वैसे जो ब्राह्मण का बेटा हो, दैट इज वो उससे क्या होता कि एक पर्टिकुलर डायनेस्टी में ही जो है ना वो एक नॉलेज का, अभी ऐसे बताओ कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर है, एक या बड़ा बिजनेसमैन है, या कोई बड़ा पुलिस अफसर, ठीक है, अगर उनके बच्चों को ही पढ़ाया जाएगा, अगर वही पढ़ेंगे, सो जो बाकी दूसरी सोसाइटी है अगर उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, सो उससे क्या होगा कि जो वो पर्टिकुलर नॉलेज है वो सिर्फ इस डायनेस्टी के अंदर ही सिमट के रह जाएगी, राइट। सो उस टाइम ऐसे ही हुआ था, बट जो बुद्धिज्म थे, जो दूसरे उस टाइम के जो वर्नाकुलर एक्टिव लैंग्वेजेस थे, काफी ज्यादा मूवमेंट्स हुए, उनकी वजह से क्या हुआ कि उनकी वजह से उन्होंने लोगों को उजागर किया, और वर्नाकुलर मतलब उनकी जो लोकल लैंग्वेज लेवल पे है उनसे उस भाषा में उनको समझाया कि इसका मतलब ये होता है, ये होता है, राइट। सो लोगों को समझ जाना स्टार्ट किया, उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ वाई। ओके, इसलिए हम ये भी माना जाता है कि बुद्धिज्म का राइज का ये रीजन भी होता है, दैट इज द लोकल लैंग्वेज प्राकृत जो उस टाइम चलती थी। ओके, इतना सब कुछ बोलने का नॉर्मल सिर्फ शॉर्टली मतलब ये है कि उस टाइम जो संस्कृत थी वो डोमिनेट क्लास थी, संस्कृत लैंग्वेज थी वो डोमिनेट थी, बट उसको किसने इसका डोमिनेशन डाउनफॉल उसको खत्म किसने किया, दैट इज वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ने, ठीक है।
वेरियस काइंड ऑफ लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस दिस इंक्लूड रिलीजियस टेक्स्ट, पोएट्री, ड्रामा, कन्नड़ नाटक बोलते हैं, फिलोसफिकल टेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल सॉरी टेक्निकल ट्रीटीज एंड मैथमेटिक, ग्रामर, मेडिसिन, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, लेक्सिको, एक्चुअली इन सारी चीज़ों ने सोर्स सॉरी हिस्ट्री में चेंज लाना स्टार्ट कर दिया, लोगों की थिंकिंग को बदलना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम पे हम जैसे कितनी सारी चीज़ें जो हमको मूवीज़ में देख के पता लगती है, गाने में देख के पता लगती है, राइट। आज के बच्चे बच्चे को मैक्सिमम को पता है हनुमान चालीसा की बात कर लो आप, शिव पुराण की बात कर लो आप, शिव तांडव की बात कर लो आप, और भी बड़े बड़े जो महामंत्र संस्कृत के लिए, दैट इज़ वो पहले पहले बड़े बड़े बुक्स में लिखे जाते थे, रिलीजियस बुक्स में, लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड है। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा उसको सीखेगा, उसको मतलब पता होगा और वो उसको अच्छे तरीके से सीख पाएगा। लेकिन अगर वही उसी कंपेरिजन में सिख शुद्ध संस्कृत में हो, भाषा में हो, वही बुक्स में पढ़ा हुआ हो, ठीक है, उसको सिर्फ हिंदू ब्राह्मण से पढ़ सकें, सो उससे क्या होगा, उससे सिर्फ वो नॉलेज जो है पर्टिकुलर उन्हीं को मिलेगी और दूसरों को नहीं मिल पाएगी, राइट। सो उस टाइम के लिए जो नॉलेज फैलाना स्टार्ट, आज के टाइम जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ, राइट, तो अगर लड़कर यूपीएससी की बात करो तो आप बोलते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर से गांव में भेजा जाएगा तो आप उसको चेंज किस तरह से किया जाएगा, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आरके एस्पिरेंट का मैक्सिमम आंसर यही होता है कि सर मैम हम अवेयरनेस फैलाएंगे, राइट। जब लोगों को अवेयर होंगे तो वो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करेंगे, वो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करेंगे, सो न्यू आइडियाज, न्यू आइडियोलॉजी आएंगे। हम देखते हैं टीवी पर डिबेट्स करवाई जाती हैं, राइट, अलग अलग बंदों को बुला के डिबेट क्यों करवाई जाती है, ताकि हर एक बंदे की आइडियोलॉजी सामने आए और लास्ट पे एक निष्कर्ष निकले के आए कि मतलब क्या हो, राइट। सो इस तरह से उस टाइम की अवेयरनेस संस्कृत का जो डोमिनेशन था उसको खत्म करके जो दूसरी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में नए नए जो रिलीजियस टेक्स्ट, पोएट्रीज, कविताएं, ड्रामाज आना स्टार्ट कर दिया, राइट। जैसे हम रामलीला आज के टाइम पे भी देखते रहते हैं, राइट, हमको मूवीज से कितना लगा, ऑब्वियसली हर एक इंसान ने रामायण तो सबसे सबने देखी है, रामानंद सागर जी की 90s की जो रामायण है, ऑब्वियसली उससे हमको कितना ज़्यादा ज्ञान मिलता है। अगर वही अगर हमको बुक्स में पढ़नी पड़े या फिर शुद्ध संस्कृत लैंग्वेज में पढ़नी पड़े तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल बन जाती है, ओके। सो ये इन इन चीज़ों की तरफ से आज के टाइम अगर मंदिरों में जाते हैं तो उधर बड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, पेंटिंग्स बनी होती है, जिसकी वजह से हमको बड़ी ज़्यादा नॉलेज पता लगती है, राइट। अगर बात करें सके तो जब हम एंशियंट अपर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, सो जहाँ पर हमको भीमबेटका की गुफाओं में पिक्चर्स देखने को मिलती है कि किस तरह से उस टाइम के लोग रहते थे, सो उन्होंने कोशिश की थी कुछ ना कुछ पिक्चर्स बनाकर उस आज के टाइम पर उनको देख के एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ओके। सो ज़्यादा डीप में चला गया बहुत ज़्यादा, कि मतलब ये बता रहा हूँ कि उस टाइम आज के टाइम पर अगर आप यहाँ पर 21st सेंचुरी में बैठ के अगर आपको पता लगाना है उस टाइम क्या है, सो दैट इज़ ये सारे सोर्सेज हैं, ये रिलीजियस जो ये पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, एसोग्राफी, सो उस टाइम के जो हुए थे वो अगर आज के टाइम पर हमको मिलेंगे सो उससे हमको पता लगेगा कि उस टाइम क्या क्या हुआ था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डीप में जाकर समझा दिया, आई होप कि आपको समझ आए हो, ठीक है। सो ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल सबसे मेन कंसेप्ट रखना है। मैंने आपको इतना बताया कि आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मेन कंसेप्ट रखना है, उसके बाद आपके आराम से पास हो, इसमें कोई बड़े बड़े अच्छा। द प्रोलिफरेशन ऑफ रिलीजियन स्टेट्स आल्सो लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ रॉयल बायोग्राफी सच एज बर्णभट्टर, हर्षचरित्र। मैंने आपको कितनी बार बताया कि हर्षचरित्र जो है हर्षवर्धन पर लिखे थे, वो किसने लिखे थे, बर्णभट्ट, जो कि उनके कोर्ट दरबार में एक पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद संध्यास्करण रामचरित्र, पद्मगुप्ताज नवसहासन चरित्र, बलिहानास विक्रमन का देव चरित्र, ठीक है। सो ये सारे मतलब एग्जांपल दी हुई हैं यहाँ पर कि इन इन पोइट्स हैं, इन लोगों ने बायोग्राफीज़ भी लिखी हैं, जिनकी वजह से हर एक रूलर के टाइम पे एक पोइट होता था जो अपने रूल के बारे में बायोग्राफी लिखता था, जिसके वजह जो आज हम पढ़ते हैं और हमको उस टाइम के बारे में नॉलेज मिलती है। अब आपको समझ आ गई होगी कि किस हम एक पर्टिकुलर जब हम हिस्ट्री की जाँच पड़ताल करते हैं, अगर हमको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो किस तरह से सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, उस टाइम के जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह होंगे, ठीक है, सो उनको पढ़ के हमको पता है, ओके। कलन हु ऑल्सो रोड राजतरंगिनी, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजतरंगिनी, जिसमें हमको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, ठीक है। सो वो राजतरंगिनी जो बुक है, राजतरंगिनी, ठीक है, वो किसने लिखी है, कलहन ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, इसको सारे नोट करेंगे, ओके। हुआ सुनो राजतरंगिनी अलियस नोन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल इन इंडिया अबाउट द रूलर एंड डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर। मैंने आपको पहले बताया जैसे ये राजतरंगिनी जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है, ठीक है। द कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन ऑफ पुराण वाज कंटिन्यूड थ्रू द अर्ली मेडिवल पीरियड, व्हाइल द भागवत पुराण, द ब्रह्म विवर्ता पुराण, द कालिका पुराण और ऑथर्ड सम ओल्ड पुराण वर एडेड टू द सम उप पुराण वर कंपोज। अच्छा, सो इतना ही सारे का बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पर बताया गया, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इन्होंने बताया हुआ है कि जो कलहन थे, जिन्होंने राजतरंगिनी लिखी, जिस राजतरंगिनी में सबसे ज़्यादा हमको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर की जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी डोमिनियंस सॉरी उसकी जो डायनेस्टीज़ हैं उस पर जो रूलर थे उसके बारे में देखने को मिलता है। और ये जो सारे पुराण थे, इन इन पुराणों में भी हमको इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री देखने को मिलती है, ओके।
तो गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इस वाले पैराग्राफ को भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पर ऑथर के ट्रैवलर्स के नाम है तो काफ़ी ज़्यादा नाम आते रहते हैं बार बार, ये तो आपको एक बार पता होना चाहिए एज अ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए भी होगा। ओके, अगर आपने आपसे किसी ने पूछ भी लिया तो काफ़ी अच्छा आपका इंपैक्ट भी पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो ये आप इन सारी ऑथर का नाम आए हो कि आप याद करेंगे, सॉरी इन सारे ट्रैवलर्स का। ओके, चाइनीज एंड अदर ट्रैवलर फॉर आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ पीरियड। ऑब्वियसली मैंने आपको, हाँ, सो एक चीज़ में भूल गया था, लिटरेरी सोर्सेज की जब हमने बात की था, हम लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन आती हैं, ठीक है, बायोग्राफीज आती हैं, प्लस 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 फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स मतलब जो बाहर के देशों से जो रूल ट्रैवलर्स आए थे, वो ट्रैवलर्स इंडिया में रहे कुछ टाइम और उन्होंने जो लिखा, और उसको भी पढ़ के हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पीरियड के बारे में। ओके, सो मैं क्या बताने लगा था, दैट इज़ कि लिटरेरी सोर्स की जब हम बात करें, लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ कौन कौन से होते हैं, रिलीजियस होते हैं, ओके, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ओके, बायोग्राफीज होती है, एंड फॉरेन अकाउंट, ठीक है। तो देख लेते हैं चाइनीज और अरब ट्रैवल कौन कौन से थे। चाइनीज एंड अरब ट्रैवल आल्सो अकाउंट फॉर द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड, हुनजांग एंड यजिंग फ्रॉम चाइना विजिटेड इंडिया, वाइल अरब ट्रैवल सच एज सुलेमान अल मसूदी अल अबू जैद अल बिदूरी इबन हुकाल अल बरूनी सबसे फेमस, ठीक है, मोहम्मद उफी एंड इबन बतूता कौन था साहब, आप मुझे बताए कमेंट में, चलो मैं बता देता हूँ, इबन बतूता रजिया सुल्तान के टाइम पे एक अफ्रीका से ट्रैवलर आया था, ठीक है, इबन बतूता बोलते हैं उसको, इसमें क्वेश्चन बना था एक बार यूपीएससी में, सो मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट रिच अकाउंट फॉर द इंडिया, सो ये सारे जो विजिटर थे, ये जो सारे जो ट्रैवलर थे वो इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने अपने सोर्सेज लिखे, और आज के टाइम पे हम उनको पढ़ के उसके बाद जरूरी था कि उनके जो पर्टिकुलर ओरिजिनल सोर्सेज थे वो हमको मिलेंगे, क्या पता, ठीक है, सो उसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। सो क्या पता उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसलेट किया हुआ होगा उधर के टाइम के स्कॉलर्स ने अपने बुक्स में, ठीक है, जैसे हमको पता कि काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया के जो ऋग्वेद उपवेद की जो नॉलेज थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, वो अपने साथ भी ले गया था उसकी नॉलेज, तो इन जो चाइना जो चाइना वाले ने अपने चाइनीज़ में लिखा होगा, ठीक है, जो अरब वाले थे उन्होंने पर्शियन में लिखा होगा, उनको बाद में हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया होगा, ठीक है। सो और भी सारे जो ट्रैवलर्स हैं उनके अपने कोशिश करो नाम याद रखो, ठीक है। बिसाइड द लार्ज नंबर ऑफ लिटरेरी सोर्सेज इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द पीरियड कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल हिस्ट्री लैंड ग्रांट्स गिवन टू द टेंपल प्रीस्ट एंड ऑल्सो ऑफिशियल्स कंटेन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एपिग्राफिकल हिस्टोरिकल डाटा फॉर द पीरियड द मेजर आर्कियोलॉजिकल एंड डोमेस्टिक डाटा हैव येट टू प्रोवाइड देयर यूजफुलनेस ऑफ द पीरियड। अच्छा, सो देखो एक चीज़ और रहेगी, अच्छा हाँ, सो मैंने आपको पहले बताया दैट इज लिटरेरी सोर्सेज भी काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री को बताने में। सो यहाँ पर लास्ट में बताया, मैंने आपको पहले बताया, और दैट इज मैथमेटिक्स क्या होती है, दैट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप नोट करेंगे वापस से एमसीक्यूज में आता गाइस, दैट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्टिमैटिक्स, दैट इज ये वाला है। ओके, सो कॉइन्स की भी हमको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बताने, आप बोलोगे कैसे, दैट इज उस टाइम पीरियड में कौन सा रूलर था, उसने क्या ऐसे स्पेशलिटी थी, अगर हम बात करें तो जब हम मेडिवल पीरियड में आते हैं तो खिलजी वंश जब आता है, राइट, और वैसे जब या फिर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की आती है, या उसके गुप्ता की बात करो, सो उन्होंने गोल्डन कॉइन चलाए थे, कुशाना की बात करो तो उन्होंने अपने रूलर्स की फोटोज़ लगवाई थी। ओके, सो ये बात करते हैं, हम रूलर कॉइन्स हमको बताते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड था, ओके, कौन सा रूलर था, क्योंकि रूलर्स अपने फोटोज़ भी लगाना स्टार्ट कर गए थे पहले पहले, बाद में पहले वो सिर्फ ऐसे गॉड की पिक्चर बनाते थे या फिर कुछ अपने सील एक ठप्पा जैसे तो जिसको बोलते स्टैंप बोलते हैं पे, वैसे ही लगवाते थे कुछ, है ना। सो मतलब कहीं ना कहीं कॉइन्स भी हमको एक तरफ की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये सिक्का आज के टाइम पे अगर आप सिक्का देखो तो उस पर लिखा होता नीचे, दैट इज ये सिक्का कब बना 2010 में, सो उस टाइम पर भी ऐसा लिखा होता था कुछ ना कुछ सिक्कों पर अलग अलग चीज़ें लिखी, तो उस पर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि ये सिक्का किस टाइम पीरियड के बारे में टाइम पीरियड में बना होगा, किस रूलर के डायनेस्टी के टाइम पे बना होगा। ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक था न्यू सोशल ऑर्डर, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डीप चला गया 20 मिनटों के इस पे, ओके, तो जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो दैट इज़ न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ द कास्ट, ठीक है, जो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बहुत नोट करने वाली चीज़ आने वाली है, दैट जब तक हमको किसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज ना होना तो हम उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज़ हमको वहाँ पर हमेशा याद रखना मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है गाइज। सो वर्ण से लेकर जब जाति में डिवाइड किया जाता है, ऑब्वियसली हम हिंदूज को हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, दैट इज़ कि हिंदू में जाति वगैरह जातिवाद है, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक यस मतलब एक धब्बा बोल सकते हो या फिर एक बड़ी ज्यादा गलत चीज मानी जाती है, ठीक है, हिंदुइज्म में, दैट इज हिंदुइज्म में फोर वर्ण आया है, ठीक है, फोर वर्ण है, मैंने आपको पहले बताया, दैट इज ब्राह्मणिज्म क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रस, फिफ्थ नंबर पे प्लस में बाद में मेडिवल, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके अनटचेबल साइट है। ओके, सो ये
पहले वर्ण थे, ठीक है, जो इंसान जो कैटेगरी का काम करता है जिस टाइम पीरियड के अंदर, जो बड़े पहले टाइम पर एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर जो इंसान ऑब्वियसली सैक्रीफाइसेस परफॉर्म करता था, जो ब्राह्मण जो जिसको रिचुअल करता था वो ब्राह्मण था, राइट, जो आर्मी में था, जो भी इंसान आर्मी में था वो क्षत्रिय था, ठीक है, जो वैश्य था जो मर्चेंट ट्रेडर वगैरह हो गए, ठीक है, ओके, और जो शूद्र था जो सफाई स्वीपर वगैरह हो गए, वो सारे थे, ये इन कैटेगरी थी जो जो बंदे का प्रोफेशन है, काम है। लेकिन जब बाद में मैंने आपको पहले बताया कि जब डोमिनियंस आई, ठीक है, जैसे जैसे बाद में अंधकार आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मतलब जो बाद में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनने लगा, क्षत्रिय का बेटा सिर्फ क्षत्रिय ही बनने लगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनने लगा, ओबीसी शूद्र को ट्रीट करने लगा सबसे लोग, सो ये डोमिनियंस जब से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना स्टार्ट की, फिर वर्ण से दैट इज जाति दी एस्टेब्लिशमेंट द ओरिजिन ऑफ जाति। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ किसकी आती है, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ आती है जाति की, ठीक है, जाति, ओके, सो वर्ण से लेकर जब उन्होंने जाति में कन्वर्ट कर दिया, तो जब जाति आई, सो आज हम बोलते हैं किस जात का है, दैट इज उसके जो पापा है, जो उसका बेटा है, वो भी उस जो मतलब जो एक इंसान है, ठीक है, इसकी जाति है क्षत्रिय, सो बाद में जब सो पर इसका वर्ण था क्षत्रिय, बाद में जब इसको ये जाति में कन्वर्ट होगी, जब जाति एस्टैब्लिश होगी, ठीक है, सो वहाँ पर जो क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, चाहे ये जो उनका बेटा है वो इस पद के लायक हो या नहीं हो, इस प्रोफेशन के लायक हो नहीं, क्षत्रिय दैट इज द फाइटर द सोल्जर, ओके, चाहे उसका बेटा जो सोल्जर हो या नहीं हो, अगर वो सोल्जर का बेटा है तो वो सिर्फ सोल्जर ही, अगर क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय है, शूद्र का बेटा है तो शूद्र है, सो जाति वगैरह में डोमिनियंसी आ गई थी, ठीक है। लेकिन जब वर्ण की बात करें हिंदुइज्म जो रियलिटी है, मैं जो ऋग्वेदिक टेक्स्ट में जो प्राणाज में आता है, ठीक है, सो गाइस उसमें बिल्कुल भी नहीं है, वर्ण के अनुसार पे जाति को चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू दियर प्रोफेशन, ओनली फॉर प्रोफेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू दियर बर्थ, बट जाति में हम बर्थ देखते हैं, ठीक है, ओके, सो चलते हैं। द पीरियड विटनेस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, अर्ली मेडिवल प्रोसेस लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ण टू जाति, देखो वर्ण से जाति आ गया, ठीक है, द प्रोलिफरेशन ऑफ जातीज बिकेम डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द सोसाइटी, द सोसाइटी मूव्ड बियॉन्ड द बाइनरी ऑफ द्विजा एंड अद्विजा, ठीक है, सो ये हम आगे जाके समझेंगे द्विजा एंड अद्विजा, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशंस विद इन द वर्ण ऑर्डर स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ मिश्र जातीज और मिक्सड कास्ट, दिस वेल rested by the various sources including Raj Tarangini, the 12th century chronicle of from Kashmir, jati created hierarchy at various level at the plank intermixing itself, three categories were created, uttam samakara, madhyam samakara and adham samakara, the jati system transformed simple sedentary societies into the complex and endogamous groups, occupational indigenous and non-indigenous group were incorporated at various level within the jati system, the proliferation of gotras also continued to the period along with the caste and region the 500 by 4th century CE. अच्छा देखो क्या फर हो रहा है, अब पहले ही देखो वर्ण सिस्टम आ गया हुआ है, लोग पहले ही कन्फ्यूज है कि भाई हम कौन से वर्ण के, हमको को पता लगेगा क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑब्वियसली वर्ण के हिसाब से, ठीक है, दैट इज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब वर्ण के बाद क्या हो रहा है, देखो समझने की बात है, वर्ण के बाद आई जाति, अच्छा वर्ण में मैंने आपको पहले बताया वर्ण का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये है प्रोफेशन को लेके, इंसान क्या कर रहा है उसके प्रोफेशन के आधार पर बताया जाएगा कि उसका वर्ण क्या है, उसका वो क्या है। बट जब जाति आती है मामा, जब जाति आती है तो क्या होता है, जाति के किस आधार पर, दैट इज बर्थ। अब यहाँ पर क्या आ गया, हायरार्की आ गई, डोमिनियंस आ गया, ओके, जो पहले जो मैंने आपको पहले बताया जो क्षत्रिय है उसका बेटा क्षत्रिय बनेगा, जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण बनेगा, जो शूद्र है वो शूद्र बनेगा, किसके राज में है, जाति के राज में है, ठीक है, सो जाति के टाइम पे हायरार्की आ गई। अच्छा सो कन्फ्यूजन देखो कितनी हो जा रही है, सोशल में समाज में कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंज आ रही है जाति को लेके, ओके, अब जाति के बाद और खप पड़ गई, ये तो उन्होंने और क्या कर दिया, अब इन्होंने इसके अंदर ही लाइक जैसे पास्ट सिंपल जैसे हम टाइम्स पढ़ते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फिर पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनेट पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस वगैरह वगैरह ऐसा, सो यहाँ पर देखो उन्होंने वैसे लाया, अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने इसके अंदर और ज़्यादा वो लाया ट्रांसफॉर्मेशन आ दिया, अब इन्होंने अब हम आगे जैसे आगे जाके पढ़ेंगे जैसे क्या कहता है, हाँ मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग कर दी, लाइक एक जो है वो सबसे प्योर है अपर रिलीजियस है, एक जो मीडियम है मध्यम वर्ग में है, और एक जो है वो लोअर वर्ग में है, देखो ओके, फिर उसके बाद वो क्या आ गया, फिर उसके बाद आ गया गोत्र आ गए, भैया आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो, वो हमने जैसे एक्शन में पढ़ेंगे अभी इधर जाके नहीं पढ़ेंगे, सो मैं क्या बता रहा हूँ, द थिंग इज कि सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गई एक पर्टिकुलर जाति को ही लेके वो आना स्टार्ट की, भैया बोलते अब लोगों में इस बात की वो नहीं थी कि हम कौन से वर्ण के हैं, हम कौन से जाति के, उनको ये आ गया कि हम कौन से गोत्र के हैं, हमारा सबसे ज़्यादा सुपीरियर कौन सा, अब बात करो क्षत्रिय की तो क्षत्रिय ही बोलेगा उसके अंदर, क्षत्रिय का जो सबसे क्षत्रिय में भी तीन इन्होंने मतलब बना दिए थे, दैट इज अपर, दैट इज मध्यम एंड दैट इज लोअर, वॉट है, एक और बनाया था मिक्सिंग ऑफ द क्षत्रिय मैन एंड द शूद्र वुमेन, दैट इज एक और जाति, इन दोनों के
मैच से इन दोनों के मिलन से एक जो नेवी जाति मिक्स्ड, इसको बोलते हैं मिक्स क्षेत्रीय बोलते हैं, वो जाति थी। अब तो उसमें और कंफ्यूजन आने लगा कि सबसे अपर कौन सी है, सो इसमें भी और आने लगे, फिर गोत्र डालने लगे, फिर वगैरह वगैरह डालने लगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट जिसके बारे में हम बात करें, दैट इज सोसाइटी में चेंज आ रहा है। ओके, जाति सिस्टम के आने की वजह से, प्रोलीफरेशन ऑफ गोत्र के आने की वजह से, दैट इज प्रोलीफरेशन का मतलब है दैट इज विस्तार, ठीक है, विस्तार के आने हुए। ओके, समय क्या पड़ा, प्रोलीफरेशन ऑफ कास्ट, दैट इज प्रोलीफरेशन ऑफ कास्ट क्या, जातियों का विस्तार। सो गाइज, आप देख सकते हो कि किस तरह से, मतलब देखो सोसाइटी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ही दरार पड़ना स्टार्ट हो गई। ओके, सो प्रिस्टली क्लास टू सब ब्राह्मण का, ये देखो आ गया ना, देखो प्रिस्टली क्लास प्योर कट्टर बोलते हैं ना, मतलब मेन बोलेंगे प्योर प्रीस्टली क्लास जो थी, अब उसके भी आगे क्या आ गए, सब कास्ट आ गई हैं। सब कास्ट मतलब जो थोड़ा लोअर ब्राह्मण होगा उसे थोड़ा लोअर ब्राह्मण होगा, जो पंडित होगा, ठीक है, जो उसके बाद पुजारी होगा, सब इस तरह से देखना आगे जाके आएगी। ओके, सो यहाँ पर बड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है गाइज, समझने वाली बात है। ओके, द ब्राह्मणास डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मोनोलिथिक और होमोजेनियस ग्रुप, दे वर सब डिवाइडेड इनटू सेवरल गोत्रास, परवारास, वंशा, पक्ष, अनव्यास, गनस, गमिस एक्सेट्रा, इंस्क्रिप्शन वर वेरियस डिस्क्रिप्शन सच एज श्रोत्या, आर्य, पुरोहिता, पंडिता, महाराजा, पंडिता, पाठका, त्रिपाठी, द्विवेदियन, त्रिवेदियन, चतुर्वेदियन, दीक्षिता, यज्ञिका, शुक्ल, अग्निहोत्रीन, अमशा, अवासी। देखो खुद एक बताओ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक रिलीजियस ब्राह्मण का, जिसको बेसिक पूजा जाता है, जो ब्राह्मण होते हैं ओबियसली एक मतलब वैदिक सक्रिफाइज, जो क्या बोलते हैं सॉरी यज्ञ परफॉर्म करवाते हैं रिलीजियस, वो परफॉर्म करें, उनके अंदर देखो खुद कितनी फूट, अब फूट पड़ने वाली बात ही बोल रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोल सकते हैं, लाइक उनके अंदर खुद देखो अब इस टाइम पे कितनी ज़्यादा वो आ गई है, दरार ही बोल सकते हैं, कितनी ज़्यादा सब कैटेगरी आ गई है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन है, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्योर कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, और जब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा फिर ऑब्वियसली समाज में फाइट होगी, ये सारे दूसरे के साथ लड़ेंगे कि हम जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। सो ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हुई, सोसाइटी चेंज आना स्टार्ट हो गई, टाइम भी इतना स्टार्ट हुआ, लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, सो वैसे ही जो है ब्राह्मण सोसाइटी में चेंज आना स्टार्ट कर दी, कास्ट में चेंज आना स्टार्ट कर दिए। ओके, सो पहले जो ब्राह्मण थे, मैंने आपको पहले बताया कि सैक्रिफाइस वाले काम करते थे, ओबियसली जो रिलीजियस काम, उसके बाद जो अब इनको कैसे डिवाइड कर दिया, जो कुछ लोग होते हैं जो ओबियसली भिक्षा मांगते हैं, राइट, अब वो वाली भिक्षा नहीं, याद करके जब बाबे आते हैं उस टाइम क्या अलग होते थे, ठीक है, जो उसके बाद कुछ जो ओबियसली सैक्रिफाइस करते थे, कुछ जो होते थे जो दूर दूर जाके तपस्या करते थे, राइट, ओके, कुछ कुछ जो होते थे वो विचरण करते थे, ओके, कुछ कुछ जो होते थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। सो इस तरह से ये आ गया ब्राह्मण्स में, इनके सब डिवीजन आ गई, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। दिस ऑल्सो इंडिकेट दैट देयर आइडेंटिटी वेरी अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टिंक्ट टेरिटरी, ओरिजिन, एंसेस्ट्री, लाइन, स्कूल ऑफ वैदिक लर्निंग एंड प्रीस्टली फंक्शन। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बता दिया इनकी आइडेंटिटी करना स्टार्ट कर दिया, पहले कौन था, ब्राह्मण एक है, बट जैसे जैसे मैंने बताया सोसाइटी ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब वो जो है इतने अलग अलग कैटेगरी में जो है ब्राह्मण बट गए थे, अब उनको जाना कैसे जाए कि कौन सा ब्राह्मण जो है वो किस कैटेगरी में से आता है, अब इनमें से पता लगेगा पुरोहित कौन है, गणित कौन है, ठीक है, पाठक, महाराजा, पंडित कौन है, ठीक है, त्रिपाठियन कौन है, द्विवेदियन कौन है, ये पंडित कौन से, सो पता लगा था उन किस किस सोर्सेज, किस तरीके से पता लगता है कि ये कौन से रिलीज लाइन से आता है, वो पता लगता है दैट इज उसके वैदिक लर्निंग से, उसने कहाँ से वैदिक लर्निंग की, क्या पिया, ठीक है, प्रीस्टली फंक्शंस क्या है उसके, ओके, उसके एंसेस्ट्री क्या है, पूर्वज कौन थे उसके, उस पर बेसिस पे स्कूल ऑफ वैदिक लर्निंग कौन सा था, सो उस बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि ये ब्राह्मण की लाइनेज कौन सी थी, ठीक है, एंशियंट टाइप है। नॉट विद अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेज देयर वर्न आइडेंटिटी रिमेन इंटैक्ट, द प्रोलिफरेशन ऑफ ब्राह्मण कास्ट आल्सो लेड टू द मोनुमेंटल इंक्रीज इन द गोत्रास इन द अर्ली वैदिक पीरियड, द नॉर्थ सब बाइन रिलेट टू द क्रिएशन ऑफ टू डिफरेंट सेट ऑफ ब्राह्मणास एसोसिएटेड विद द रिलीजन, द पंच गोदास द नॉर्थन ग्रुप, द पंच द्रविडास द सदर्न ग्रुप, द टेरिटोरियल एफिलिएशन वर नैरो डाउन इनटू द इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर, दे वर बिलोंग टू द इवन अप द नेटिव विलेजेस, फॉर इंस्टेंस इन बंगाल मिथिला, द ब्राह्मणास वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब कास्ट इन दियर ऑफ दियर गेमनीज एंड द मूलास, ठीक है, ऐसा देखो कुछ ना समझने वाला है, मेन ऐसा मुश्किल नहीं जो हमको समझने, देखो सामने सामने हमको बता दिया कि किस तरह से जो सोसाइटी चेंज हो रही है उसकी वजह से जो ब्राह्मण्स हैं उनको भी डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेली सॉरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, राइट, अब नॉर्थ वालों को क्या बोलेंगे जाएंगे, दैट इज पंच गोदास, दैट इज नॉर्थन ब्राह्मणास, एंड साउथ वालों को क्या बोले जाएंगे, पंच द्रविड़ास, ठीक है, पंच द्रविड़ास, दैट इज सदर्न ब्राह्मण्स।
उसके बाद ब्राह्मण्स के जो टेरिटोरियल जियोग्राफिकल एक्सपेंशन को भी ही मतलब देखो यहाँ पर ब्राह्मण्स के बीच अलग ही अपने सिस्टम चल रहा है, इधर रूलर्स के बीच अपनी फाइट चल रही है, ब्राह्मण्स की अलग ही फाइट चल रही है, ऐसा नहीं सिर्फ ब्राह्मण्स की बात है, बाकी प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट पड़ रहे हैं, दैट इज हर एक कास्ट की जो है यहाँ पर विस्तार हुआ था, बट हम यहाँ पर क्षेत्रीय और थोड़ा वैश्य जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें, क्योंकि मतलब उनकी जो ऑब्वियसली प्रोलिफरेशन हुई थी उसमें ज़्यादा लोग आए थे, इतने ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन उसमें कोई मोमेंट नहीं थे इसलिए मैंने उसको रखा नहीं इधर। सो ओके थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ब्राह्मणिज्म के बारे में। डिक्लाइन ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस व्हिच इज ओपन द न्यू एवेन्यू फॉर द ब्राह्मण्स लैंड ग्रांट्स माइग्रेशन स्टेट फॉर्मेशन एंड एग्रीगेरियन एक्सपेंशन मेड कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द ब्राह्मणिज्म टू परस्यू नॉन रिलीजियस ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सर्विसेज एटसेट्रा। देर आर न्यूमेरस एग्जाम्पल इन द एपिग्राफी लिटरेरी रिसोर्सेज फॉर द ब्राह्मण्स फॉलोइंग अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन कास्ट देयर इज दश अवतार चरित्र 11th सेंचुरी disapprovingly describes some brahmanas as following the degrading occupational of artisans, dancers, sellers of wines, clarifying butter, salt, etc. The other becoming degraded in priestly vocations altogether. Proliferation in the devotional results, cults, pilgrims, worship, vows, and the performance of the reconstruct the prana control to supply with them the good source of income. They acquired considerably property and prestige on the account of their relation with the ruling elites, feudatories, and land concerns. अच्छा, so normally यहाँ पर इस paragraph में हमको इतना देखने को मिला है कि जो decline है उनका वैदिक sacrifice rituals का, उनका जो dominions है that is Brahmins किसके लिए जाने जाते थे पहले time पे, जो religious sacrifices थे उनको perform करने के लिए, जो उस time के जो रीति रिवाज थे उनको perform करवाने के लिए जाने जाते थे, बट जैसे जैसे हमने कहा कि सोसाइटी चेंज हुई, सोसाइटी सोशलिस्ट टाइम आया, दूसरे जो रिलीजन से जो दूसरे उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, प्राकृतिक वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आना स्टार्ट कर दी, सो जो ब्रिटिश का जो ऑब्वियसली जो संस्कृत का जो जो ग्राफ था जो पैटर्न का जो डोमिनेंस का जो पीक पे पहुंच गया था वो काफी ज्यादा फॉल होना स्टार्ट कर दिया। और हमने देखा जो पुराने टाइम में जो लैंड ग्रांट सिस्टम होता था उसमें जो उनको जो ब्राह्मण्स को पूरा पूरा जो गांव दे दिया जाता था लैंड ग्रांट की तरफ से, सो उन्होंने वहाँ पर बसना स्टार्ट कर दिया। ओके और जो प्राइमरी लेवल पे मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दी, खेती बाड़ी करना भी स्टार्ट कर दिया कुछ कुछ ने। ओके सो एक रूलर थे, कभी मुझे नाम याद आ रहा हिस्ट्री में, जो एक खुद ब्राह्मण थे, ठीक है, बाद में उन्होंने वो किंग बने थे, पुष्यमित्र शुंग आई थिंक वही हैं, आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। सो वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है, उन्होंने मतलब एक क्षत्रिय जैसे वो हो गए, ठीक है। सो इसमें देख रहे हैं कि प्रोलिफरेशन का मतलब है विस्तार, ठीक है, किस तरह से कास्ट का विस्तार हुआ। हमने देखा ना कि ब्राह्मण जो थे पहले एक प्योर ब्राह्मण जो जिसके लिए जाने जाते थे दैट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ रिलीजियस सैक्रीफाइस, उस तरह से किस तरह से सब डिविजन में बंट गए, कास्ट में बंट गए, कैटेगरीज में बंट गए सोसाइटी में, ठीक है। Brahmin not only adopted the agriculture which was primarily education occupation of the Vaishya Shudra but also took the various non-traditional profession including the trade, Charitutta, the hero play, Mitra Charika, Chatrika is a merchant by professional, the possesses Brahmin by caste, it cannot be generalized that the all members of priestly class enjoy material prosperity, some of them resorted to the lower work as well with the development of Jaimini system, so yahan par please sab note karenge Jaimini system, theek hai, the Brahmin also became immobile and remembered attached to the local social group who provided patronage to the labor services of the Brahmin, Brahmin attached did not attach Brahmin service to the certain mixed classes, those who served were declared degraded or equal to the status of mixed caste by the disciple. Al Biruni also mentions a degraded Brahman called Maga or Shaka Dipi Brahman of Iranian origin. So, देखो, Iranian origin में से एक Brahmans male और मतलब mix किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? Mix मतलब समझ रहे हो ना, वो बस एक male और एक female, अलग अलग religion के इन दोनों को जब इन दोनों के जो match से एक शिशु जो ना जब मैं जो अपनी कास्ट बनेगी दैट इज मिक्स्ड कास्ट, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ईरानियन ओरिजिन की यहाँ पर बनी है, ऐसा यहाँ पर इसमें इतना बताया हुआ कि ब्राह्मण्स का जब डिक्लाइन हुआ सिर्फ ना कि उन्होंने जो प्राइमरी काम थे दैट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है, हल वगैरह जो उतना सिर्फ वही करना काम नहीं किया, बल्कि उसके अलावा जो था उन्होंने ट्रेडर्स का काम भी किया ऐसे, और जो लो लेवल के काम थे जो शूद्र थे वो भी किया, जैसे एक जो उन थे इनके जो ब्राह्मण्स में जो थे वो मैत्री जी का जो इन्होंने चारुदत्त का जो रोल प्ले किया था जो कि एक ब्राह्मण ने प्ले किया था, ठीक है। अच्छा सो हमने देखा कि सबसे रूलिंग क्लास कौन सी थी, सबसे पहले कौन थी ब्राह्मण सॉरी क्षत्रिय थी, लेकिन ब्राह्मण जो थे डोमिनेट में पहुंच गए थे, ठीक है। अब ब्राह्मण्स के बाद जब ब्राह्मण का डिक्लाइन हो गया, हमने देखा कि डिक्लाइन हो गया, अब उसके बाद कौन सा आएगा। अब देखो सोसाइटी मैंने पहले बता दिया जो वर्ण सिस्टम थे या फिर आप जो जाति लेवल किस तरह से चल रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एंड अनटचेबल्स। अब जो यहाँ पर ब्राह्मण्स थे वो आउट हो गए, मतलब ब्राह्मण्स जो है वो अब डोमिनेट नहीं रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण्स भी अब लोकल लेवल की तरह हो गए, नॉर्मल लोगों की तरह हो गए। सो सेकंड नंबर पे कौन आता है, दैट इज क्षत्रिय, यस क्षत्रिय आ जाते हैं यहाँ पर डोमिनियंस में, देखते हैं
प्रोलिफेरेशन ऑफ रीजनल पॉलिटी आर लिंक हाउस इज लेड टू द मेन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेडिशनल क्षत्रियम सॉरी ट्रेडिशनल क्षत्रिय वर्णम वेंट इन टू आइडियल पोजिशन एंड गिव वे टू द न्यू क्लेन बेस्ड सोशल ग्रुप्स दैट वॉज कॉल्ड राजपुत्र और राजपूत ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड अर्ली मेडिवल वर्क लाइक कुमार पाला कुमार पाला चरित वर्णा वर्ण रत्नकार राजतरंग सटर मेंशन 36 क्लेन ऑफ राजपूत हमने पहले भी पढ़े हुए हैं बट द लिस्ट ऑफ 36 क्लेन वैट वेरीज फ्रॉम टेक्स्ट टू टेक्स्ट वाइल सम क्लेन्स लाइक जो हनास पर्थियाना डिड नॉट फेस एक्सक्लूशन एंड अकर रेगुलरली इन द लिस्ट. अच्छा सो 36 क्लेन्स 36 मतलब कैटेगरीज जो है राजपूत की ये बताया जाता है लेकिन अलग अलग स्कॉलर में अलग अलग ने अलग अलग बोला हुआ है. हर जगह पर ये नहीं लिखा हुआ है लेकिन कुछ कुछ जगह पर ये लिखा भी गया हुआ है. ठीक है. Origin of Rajput is much debated topic still it is difficult to conclude whether they were foreign immigrants or indigenous tribes or older Kshatriyas or Brahmanas or the ranked feudatories or all. Proliferation of Rajput point towards the heterogeneous origin. So, यहाँ राजा राजपूत के origin पे एक topic एक debate उठाई गई है that is कि अभी तक भी बिल्कुल ऐसा नहीं पता लगता कि क्षत्रिय थे कौन मतलब रियलिटी में जो बेस्ड थे क्या वो इंडिजिनियस थे मतलब इंडिया के ही थे या फिर वो कहीं बाहर के जो रूलर्स थे जो आर्यंस वगैरह आए थे जो जो सेंट्रलाइजेशन माइग्रेशन होते हुए क्या वो थे या फिर ब्राह्मण्स थे जो कि क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गए या फिर जो फेडरेटरी थे या फिर जो रूलर्स थे या फिर जो लोकल लेवल पे जो ट्राइबल्स जो डोमिनेशन पे थे वो थे राजपूत या फिर सारे जो थे सारे के सारे ही राजपूत थे. तो देखो यहाँ पर राजपूत के ओरिजिन पे भी सवाल उठे हुए लेकिन हमने जो ओरिजिन ऑफ राजपूत थ्योरीज पढ़ी जिसमें हमने तीनों के तीनों थ्योरी पढ़ी अग्रिकुलर थ्योरी मिक्स थ्योरी तो फॉरेन थ्योरी सो उसमें आई होप कि आपको समझ आएगा. अगर आपको नहीं समझाया तो जाके देख लो वो वाली वीडियो आपको समझ जाएगी. ओके फिर पढ़ते हैं प्रोपगेशन ऑफ राजपूत पॉइंटेड आउट बाय द हेटेरोजेनियस ओरिजिन फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड व्हेन मेनी सच एमर्ज इन द वेस्ट एंड द सेंट्रल इंडिया एंड कैप्चर पॉलिटिकल स्पेस लेटर ऑन सेम प्रोसेसेस वर रिपीटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच गेव इट द डिस्टिंक्टिव सोशल आइडेंटिटीज मेनी न्यू लाइनेज गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पॉलिटिकल स्टेटस थ्रू द प्रोसेस ऑफ राजपूताइजेशन. ठीक है. राजपूताइजेशन से देखो जब मैंने आपको बताया कि बड़ी ज्यादा डिबेट स्टडी बड़ी ज्यादा ये कन्फ्लिक्ट लगे कि क्या राजपूत का जो मेन ओरिजिन कहाँ से था क्या उनका मतलब सोर्स था. सो इस पर बड़ी ज्यादा डिबेट चले लेकिन जब टाइम पीरियड चेंज हुआ और ज्यादा जो सेंचुरीज आई उसमें क्या हुआ सो वेस्टर्न जो और ईस्टर्न हम जैसे जानते हैं कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है राइट वो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो जाना ही जाता है राजपूत के लिए दैट इज यहाँ पर राजस्थान आता है. ठीक है. गुजरात आता है यहाँ पर हरियाणा आता है. ठीक है. सो ये वाला मैक्सिमम पार्ट है राजपूत के लिए जाना जाता है. मेन कौन जाए मेन जाए राज्य राजस्थान जाना जाता है राजपूत के लिए. ठीक है. जो वेस्टर्न पार्ट में जब 8th सेंचुरी के टाइम पर इनका एमर्ज इन स्टार्ट हो गया इनका ओरिजिन स्टार्ट हुआ जब इन्होंने बैटल लड़ना स्टार्ट किया दैट इज राणा सांगा. ठीक है. पृथ्वीराज चौहान. ठीक है. महाराजा राणा प्रताप. सो ये एमर्ज होना स्टार्ट कर दिया इन्होंने राइज करना स्टार्ट किया. सो उस टाइम पीरियड में इनका जो डोमिनेशन है वो स्टार्ट कर गया था. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ राजपूताइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम द 7th टू 18th सेंचुरी सी एंड रीच इट्स क्लेम क्लाइमैक्स इन द 12th सेंचुरी सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग है. देखो 7th टू 8th सेंचुरी में जो प्रोसेस ऑफ राजपूताइजेशन का प्रोसेस क्या है जब एमर्जेंस ऑफ राजपूत हुआ था उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये है और वो एमर्ज जो डोमिनेट्स कहाँ तक तो 12th सेंचुरी. जब मैंने आपको पहले बताया था कि 700 से लेकर 1200 के बीच में जो था वो मुस्लिम रूल तो आया ही आया लेकिन जो राजपूत थी जो पहले थे जिन्होंने मुस्लिम के साथ अटैक किया था क्योंकि वैसे जो हमको पता कि वेस्टर्न में राजपूत आते हैं और यहाँ से मुस्लिम का इन्वेजन हुआ था. सो राजपूत ने मुस्लिम के साथ काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम रूल के साथ काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी थी. ओके. सो यहीं से इनका एमर्जेंस स्टार्ट हुआ था. ठीक है. 700 से 1200 तक दैट इज 7th से 12th सेंचुरी के बीच में ही हमको राजपूत का मैक्सिमम एमर्जेंस दिखता है. सो इसको प्रोसेस को बोलते हैं राजपूताइजेशन. ओके. इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. राजपूत इनहेंस दिया पावर एंड स्टेटस थ्रू मिथ्स मैरिज अलायंसेज स्पोर्ट्स ब्राह्मणास सेक्टोरियल बक्तीस कर्ल्स एक्सेट्रा मैनी क्लेंस ऑफ राजपूत मेट्स एंड मैनी मेजर क्लेंस टू माइनर क्लेंस. डी बी चट्टोपाध्याय एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ राजपूत इन एसोसिएशन विद अर्ली मेडिवल प्रोसेसेस सच एज कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू रीजन्स थ्रू लैंड ग्रांट्स इंटीग्रेशन ऑफ इनटू स्पोरा रीजन स्ट्रक्चर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ऑफ विलेज इकोनॉमी प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट्स ऑन द हैंड ट्राइब्स लाइक मंडलाज रीच द राजपूत स्टेटस फ्रॉम द ट्राइबल बैकग्राउंड ऑन द अदर हैंड फॉरेन इमिग्रेंट लाइक हूनास वर आल्सो इंपॉर्टेंट इन द राजपूत स्टेटस. अच्छा देखो बहुत अच्छी यहाँ बात बताइए प्रोलिफरेशन ऑफ राजपूत कास्ट की हमें बताइए प्रोलिफरेशन मतलब विस्तार किस तरह से वो हमने बताया कि 7th से 8th सेंचुरी के बीच इनका स्टार्ट हुआ और 12th सेंचुरी के एंड तक हमको यहाँ पर इनका एमर्जेंस देखने को मिलता है किसका राजपूताइजेशन का राजपूत का. ओके. सो इन्होंने इनका जो विस्तार है किस तरह से उन्होंने स्टार्ट कर दिया इन्होंने सबसे पहले क्या किया दिया लैंड ग्रांट्स देना स्टार्ट कर दिया लैंड आपको पकड़ना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. उसके बाद टेरिटरीज कंक्वायर करना स्टार्ट कर दिया दैट इज उन्होंने उसके बाद रिचुअल्स दैट इज रिलीजियस का सपोर्ट लिया. ठीक है. जो रिलीजियस स्कॉलर थे उनका सपोर्ट लिया. उसके बाद लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया आपने उसकी ओर. उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था राइट उसके बाद वो जब वापस चला गया था अपने मैसेडोनिया में तो वापस उनका जो एक
जर्नल था, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली उसका नाम भूल गया अभी, ई से पढ़ता था उसका नाम एक्चुअली। सो वो नो, उसको वापस आया था इंडिया में, मतलब जो अलेक्जेंडर का जो सेनापति था उसने उसको वापस भेजा था कि हमने अलेक्जेंडर जो राजपूत जो एरिया जीता है इंडिया में, आप वहाँ पर जाओ। सो जो उन्होंने बाद में अपने स्टेबिलिटी जो नॉर्थ में ही बसाई थी, बट बाद में वो जब हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए, मैंने आपको पहले बताया था कि ब्राह्मणिज्म में जब कोई भी नवी कास्ट है जो बना, कोई भी इंसान जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको डायरेक्ट ब्राह्मण कैटेगरी नहीं मिलती थी, ठीक। सो ब्राह्मण के बाद जो एक रूलर है उसको कौन सी मिलेगी, ओबियसली क्षत्रिय मिलेगी। सो जो भी रूलर्स थे, जो भी उस टाइम के जो डोमिनेट क्लासेस थी, जो भी हिंदुइज्म में आने थे, ब्राह्मणिज्म के बाद उनको सेकंड मेन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कॉमन जो सबसे था दैट इज क्षत्रिय। सो ब्राह्मण में तो देते नहीं थे किसी को, तो बचा कौन, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य में कोई जाएगा नहीं, शूद्र में कोई जाएगा नहीं, तो कौन बचा, क्षत्रिय, ठीक है। सो जो क्षत्रिय में जाने लगे, सो उससे क्या हो गया, क्षत्रिय दैट इज राजपूत। सो उनकी प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हुआ, उनकी कास्ट का विस्तार होना स्टार्ट हो गया। ओके, प्रोलिफरेशन ऑफ शूद्र। देखो अभी देखो, इनके भी अपनी अलग स्टोरी है शूद्र की। देखो काफी ज्यादा इनके साथ भी डोमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन हो ही हुआ है। ओके, अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ विटनेस द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द फोर्थ वर्ना एज वेल। ओके, फिर मैंने फोर्थ वर्ना के बाद, फोर्थ वर्ना का मतलब पता लगी कि वो दैट इज फर्स्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य, एंड फोर्थ इज शूद्रास। प्लस देखना फिफ्थ में आएगा, यहाँ पर अनटचेबल सभी है। आगे हम पढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन गाइज आई होप कि आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। लेकिन मैं क्या करूँ अभी यहाँ पर, ये भी अभी मैं फर्स्ट पार्ट में आ रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लंबा बन गया समझाने के चक्कर में, सॉरी सॉरी सॉरी। बट आई होप कि आपकी तरफ मेरा भी, मेरी तरह आपका भी इंटरेस्ट बना है और आप साथ साथ पढ़ रहे हो। अगर आप अभी तक जुड़े हो हमारे साथ वीडियो में, तो मुझे काफ़ी विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो हमारा जो सीरीज है आपकी अच्छी चल रही है, आपको पसंद आ रही है। ओके, सो कमेंट में यस लिखते जाइए बस, और सब्सक्राइब करना नहीं करना, आपको पता ही है मैंने आज तक ना कभी बोला ना बोलूँगा, जो आपकी मर्जी है करना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं इसको, अर्ली मेडिवल प्रोसेसेस ऑल्सो लेड टू द प्रोलिफरेशन ऑफ नंबर ऑफ लो इन्फीरियर शूद्र जातीज आर मिक्स्ड कास्ट। अच्छा, यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा डोमिनेट क्लास थे ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, सबसे ज़्यादा लो डिस्क्रिमिनेटरी क्लासेस कौन सी, दैट इज शूद्रज प्लस अनटचेबल्स, राइट। सो उन पर ज़्यादा जो जुल्म किए जाएंगे वगैरह वगैरह, वो हो गया, ठीक है। सो जो, या फिर जब भी हम किसी को हराते हैं जो बाहर का जो वो है, अगर वो रूलर नहीं है तो बेसिक सीधा उसको डायरेक्ट जो थे वो शूद्र में भेज देते। देखो जब आप, अगर आप नॉन हिंदू हो उस टाइम के पीरियड में, आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या क्षत्रिय चूज करो या फिर शूद्र चूज करो। सो क्षत्रिय, तो क्षत्रिय की सिर्फ एक ही कंडीशन थी, दैट इज आपका जो बैकग्राउंड है वो एक सोल्जियर से होना चाहिए, एक या फिर आप एक राजा होना चाहिए, ठीक है। अब जो सारे जो बंदे हैं वो या फिर सोल्जियर या राजा तो होंगे नहीं, सेकंड दैट इज कौन सा ऑप्शन बचेगा, शूद्र बचेगा, ठीक है। सो वो मैक्सिमम ना, मतलब अगर 100 बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं, 100 में से 20 कन्वर्ट होंगे क्षत्रिय में और 80 कन्वर्ट होंगे शूद्र में। अच्छा, आप देखो शूद्र में, तो फिर पॉपुलेशन वैसे इनकी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। जहाँ पर पहले 50 शूद्र थे, वहाँ पर 150 हो जाएंगे, ठीक है, 1500 हो जाएंगे, ठीक है, 15,000 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कन्वर्सेशन वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, इनमें मतलब कंटिन्यू थी। ओके, अब इनमें इतनी ज़्यादा कन्वर्ट जो स्टार्ट हो गई थी, तो ओबियसली इनकी भी प्रोलिफरेशन होगी, दैट इज विस्तार होगा। ओके, देखते हैं कि सर्ज इमर्जेंस ऑफ सच लार्ज ग्रुप इन द नीदर यूनिफॉर्म और नॉट स्टैटिक, सम ओल्डर नेम्स कंटिन्यू विल वाइल सम न्यू एडेड टू द इंटरवल्स। ब्रह्मा वी वर्ता पुराना डेटेड बिटवीन 10th to 15th century सी फ्रॉम द बंगाल रजिस्टर 17 सत शूद्र जातीज वेरियस असत शूद्र जातीज विद पितृता एंड अधम टाइटल इम्प्लाइंग देयर इंप्यूट्स और अनटचेबल स्टेटस। अच्छा, सो यहाँ पर शूद्रस के बाद जो सेकंड लेवल पे जो और डोमिनेट क्लासेस और डोमिनेट जाति है, डिस्क्रिमिनेटरी जाति है, इसमें ज़्यादा अत्याचार की, दैट इज अनटचेबल्स, ठीक है। सो जैसे हमने 36 क्लेन्स की जो मिथ है, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग स्कॉल का, आपने जाति राजपूत का जो 36 क्लेन माने जाते हैं, मैंने आपको पूरे के पूरे 36 क्लेन पढ़ाए हुए हैं, चार देखिए 36 की जाति इन सब राजपूत में, आप आई होप आप जाके देख लो, ठीक है। सो उसमें क्या किया हुआ, सॉरी राजपूत में 36 क्लेन्स के बताया हुआ है, और शूद्रस में कितने बताए हुए हैं, 17 बताए हुए हैं, और यह हमको कहाँ पर मिलता है, बंगाल में, ठीक है। द बृहद राम पुराण फ्रॉम 12th to 13th century फ्रॉम बंगाल रिकॉर्डेड 36 मिक्स्ड क्लासेस और मिक्स्ड शूद्र ऑफ नॉन ब्राह्मण स्टेटस। इट फर्दर डिवाइडेड देम इनटू 22 उत्तम, 12 मध्यम और 9 अधम और एनालिटिकल कैटेगरी। इट सीम्स 36 एमर्जिंग स्टीरियोटाइपिंग फिगर इन अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ विद क्लासेस एंड कस्टम मेंशन ऑफ 36 राजपूत कैन बी काइंड क्वाइट सिग्निफाइड इन द अर्ली मेडिवल। द नंबर ऑफ जातीज रोज टू द थाउजेंड ऑफ वर टू न्यूमरस काउंटेड इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। द विष्णु
धर्मोत्तर पुराण इट इज इट रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ थाउजेंड ऑफ मिक्स क्लासेस चाइनीज ट्रेवलर उंगजांग ऑल्सो रेफर टू न्यूमरस क्लासेस। ऐसे देखो यहाँ पर ये सारे जो ट्रेवलर्स हैं, यहाँ पर जो सारे लोग हैं, ये जो सारे टेक्स्ट हैं, ये इस बात की पुष्टि करते हैं दैट इज़ यस इस टाइम पीरियड में इतने सारे जो एमर्ज हुई थी क्लासेस। देखो एक नॉर्मल शूद्र है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता है दैट इज़ लो क्लास। अब इसमें भी कितनी ज़्यादा हो गई थी, क्यों मैंने आपको बताया मिक्सड हो रही हैं क्लासेस। एक अलग जाति का एक अपर क्लास का जो मेल है या फिर जो लोअर क्लास का फीमेल के साथ जब मैच करता है, ठीक है, तो उनकी जो एक नवी जाति है जो भूमि हुआ शिशु जो मैंने वो बच्चा होगा या फिर एक नवी कास्ट मानी जाती है उसको, सो दैट इज़ मिक्सड कास्ट। ठीक है, दो जब हम बात करते हैं ना वेरिएशंस की, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं दो अलग अलग स्पीशीज़ की जब एक दूसरे से मेटिंग कराते हैं तो एक न्यू स्पीशी निकलती है, सो वैसे ही बताइए यहाँ पर मिक्स्ड कास्ट बताया हुआ है। ओके, सो उन्होंने भी जैसे 36 राजपूत की ग्लैंड था तो यहाँ पर 36 शूद्रस की भी हमको मिलता है ओरिजिन दैट इज इन इन बुक्स में। ओके, और उसमें भी 22 जो है उत्तम है, 12 जो मध्यम है और 9 अध्यम है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ब्राह्मण्स के टाइम की भी बड़ी बुरी ज़्यादा हालत है, वो चाइनीज ट्रैवलर्स ने भी ये कंफर्म किया कि यस इस टाइम पीरियड में बड़ी ज़्यादा कास्ट थी। ओके, यहाँ पर देखो ये न्यू कास्ट कास्ट थे एंड द विंध्य, सो इसमें इतना ही बताया कि ये पेपर वर्क करने वाले थे टाइप, सो स्टार्टिंग में इनका भी जो है हायरार्किकल तरह था, जो ब्राह्मण जो राजाओं के कागज पत्र वगैरह संभालते, लेकिन जैसे इस टाइम पीरियड चेंज हुआ ओब्वियसली सो ये कॉमन हो गया तो एक नवी जाति स्टार्ट हुई थी, लेकिन ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी दैट इज कास्ट एंड द विंध्य। सो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैंने चाहता है इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट में बता दिया दैट इज एक छोटी सी कास्ट जो डॉक्यूमेंट वाला काम था। देखो सम टाइम्स अनटचेबल्स भी बोला जाता है इनको, फिफ्थ वरना आल्सो प्लेस द सम प्लेस एंड द नोशन इज ऑल्टर विल रिलेटिव रिवर्स इन द नोटिस द कब नोटिस हुआ था इनको, इनका टाइम पीरियड कब था 600 BC में माना जाता फ्रॉम द चंदाल चंदमगर एंड इट कैन नॉट बी सेड दैट पर्सन ड्यूरिंग द ओके सो इसको अच्छा वो दूसरा था वो भी यही एक्चुअली लेकिन मतलब वो इसके सबका डिग्री है। ठीक है, सो अनटचेबल्स कौन से होते हैं, अनटचेबल शूद्र के बाद भी एक और डोमिनेंट क्लास लाएगी, एक और उस शूद्र से भी नीचे एक क्लास दैट इज़ अनटचेबल्स, अछूत जिसको बोल सकते हैं, बोलने में देखो कितना बड़ा बुरा लगता है दैट इज़ अछूत, जिसको आप छू भी नहीं सकते, आपको आपने उसको छू लिया आप गंदी सोच, इतने ज़्यादा गंदी सोच वहाँ पर, इतनी ज़्यादा पुरानी सोच थी। ठीक है, सर हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो इमरजेंस था 600 BC से हुआ था दैट इज़ चंदाल्स एंड द मगधा और पुला कासा, ये जो तीन कम्युनिटी थी, ये जो तीन कास्ट थी, इनको सबसे ज़्यादा गिरा हुआ, सबसे ज़्यादा लोएस्ट पे माना जाता था। ठीक है, बट ये नहीं कहा जाता था कि ये इस 600 CE टाइम पीरियड के बीच में ही, इसका मतलब कोई पक्का सबूत नहीं है कि इस टाइम पे हुई थी। ठीक है, अराउंड 20 CE नोशन ऑफ डिफिनेशन द अर्ली धर्म शास्त्र अर्थशास्त्र एंड मनुस्मृति चंदाल्स बिकेम साइनोनिमस टू द फादर एंड टच वेलनेस एंड ट्रीटेड सच एज ब्राह्मणिकल बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। ठीक है, नॉट ओनली सिर्फ बुद्धिज्म में बट आल्सो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में भी जो चंदाल्स थे उनको अनटचेबल्स ही माना गया था, उनके साथ ऐसी ही बुरी तरह से बर्ताव किया जाता था। ओके, अलॉन्ग विद द चंदाल्स शिवपाका एंड अंत्या वासीन बिकेम परमानेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड वेरियस डिसेबिलिटीज वर इम्पोज्ड ऑन देम, दे वर आल्सो सम लोली और इम्प्योर ऑक्यूपेशन सच एज दोस ऑफ क्रिमिनेटर एंड रिफ्यूज क्लीनर्स एंड एक्सकर्शन, उनको स्वीपर्स मतलब लेकिन मुफ्त में वो बोलते हैं ना कि आप अगर हम आपको अपने घर में काम करने दे रहे हैं तो वही आपके लिए खुशकिस्मत की बात है। सो राजा उस समय कहते थे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि किसान के साथ भेदभाव होता था, लाइक जब वो आते हैं मार्केट वगैरह में कहीं तो वो एक बैल बजा दी जाती थी कि मतलब आ रहे हैं आप साइड जो सारे दैट इज उनके साथ टच नहीं कर सकते आप भी गंदे जाओगे, सो इस तरह के इतने लेवल की जो था अंधविश्वास था उस टाइम। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इंटेंस इन द अर्ली मेडिवल पीरियड ब्राह्मणिकल लॉ बुक लाइक विश्व समृति एंड कात्यायना समृति यूज द वर्ड अस्पर्श, ठीक है, मतलब टच ना करना, अस्पर्श अनटचेबल बोलते हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम सो अनटचेबल दैट इज अस्पर्श स्पर्श का जो शब्द है ये इसका हमको सबसे पहले ओरिजिन कहाँ पर देखने को मिलता है, इसका हमको सबसे पहले ओरिजिन देखने को मिलता है विश्व समृति में। ओके, मोर गुड पार्ट एडेड टू द लिस्ट बट चंदाल एंड द शिवपाका कंटिन्यू टू बी ट्रेडेड अनटचेबल। सो ओके, अनटचेबल अछूत में अछूत भी बोल सकते हो, ठीक है, आसपास भी बोल सकते हो जिसको टच नहीं कर सको, इस लिस्ट में और भी कैटेगरीज को डाला गया जो उस टाइम के जो ट्राइबल्स थे, ठीक है, जो ब्राह्मण्स को सिस्टम को जो नहीं मानते थे ओबियसली, जिन्होंने ब्राह्मण्स के खिलाफ वो किया तो ओबियसली वो अनटचेबल हो गया। ठीक है, फिर सो उस टाइम की इतनी ज़्यादा डोमिनेंस थी। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ने की बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है यार। ओके,
expansion of Brahminical society into new areas led to the inclusion of varied occupational groups and untouchables. Notion of ritual purity and impurity sharpened the more and they became transformed in the, through the sight, shadow, and touch, water and food. The channels were set तक और इस लिस्ट में और भी बंदे ऐड किए गए बाद में और कास्ट को भी लाए, लेकिन जो चंदाल्स थे ठीक है, वो जो शिव पाका थे, इन पे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेशन हुई थी ओके, यही मतलब मेन कटर मान जाते थे अनटचेबल्स ओके। सो अब यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ खुद ही पढ़ लेना गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे पता है इतना आपका इंटरेस्ट बनेगा नहीं। सो देखा लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। चलो सम एग्जिस्टिंग ग्रुप विद ऑक्टोपस वर आल्सो डेजिग्नेटेड अनटचेबल्स विद लाइक इंक्लूड लाइक चारामाका राजा का बुरा नाटाका चकारी दवाजी देवाजी शुंदिका हंटर्स फिशरमैन जो लो लेवल पे काम करते हैं मछली पकड़ने वाले मछुआरे या फिर जो शिकारी हैं ठीक है, उन सभी को भी ब्राह्मण अनटचेबल्स कैटेगरी में डाल दिया गया था। बट दे वर नॉट मेट विद द सेम ट्रीटमेंट लाइक द मिनिस्ट्री ऑफ अनटचेबल्स साइज चंदाल शिव पाक। बट इनमें भी फिर भी देखो जितना चंदाल और शिव पाक को उनको पता है चंदाल शिव पाक से क्या दुश्मनी थी, इनको जितना ज़्यादा डोमिनेट था सबसे ज़्यादा लोगों की कैटेगरी इनको दिए इनको डाल दी थी। बट जो फिशरमैन हंटर्स थे उनको इनसे भी इनको इनसे थोड़ी ऊपर थी, लेकिन मतलब ये सबसे ज़्यादा लेयर माना जाता है। देखो कविराता एंड निषादा वर नॉट रजिस्टर्ड एज अनटचेबल इन द ब्राह्मणिकल टैक्स, सम ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट वर आल्सो लेबल्ड एज अनटचेबल ड्यू टू देयर अपोजिंग टू द ब्राह्मण्स। देखो कुछ एग्रीकल्चर कास्ट थे, मैंने कहा जो ट्राइब्स थे जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को नहीं मानते थे, ब्राह्मण्स के अपोजिट थे ओके, उनको भी ट्राइब अनटचेबल्स में डाल दिया गया था ठीक है। एडम्स वर आल्सो मेड टू क्रिएट हायरार्की अमंग द अनटचेबल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अनटचेबिलिटी एसोसिएटेड विद डिफरेंट ग्रुप्स। समटाइम्स शूद्र वर आल्सो आइडेंटिफाइड एज अनटचेबल्स पर्टिकुलरली असत शूद्रस। तो मैंने आपको बोला शूद्रज के बाद कौन सी आती है अनटचेबल। सो समटाइम जो शूद्रज थे उनको भी असत अनटचेबल असत शूद्रज बोला जाता था ओके। मुझे पता है लेकिन थोड़ा सा लास्ट में कॉम्प्लेक्स हो गया है, बट आई होप कि आपको समझ आया हो। और अपने अगर अपने मेरे साथ इतना ज़्यादा लंबा टाइम बिताया, मैंने आपके लिए मेहनत करके पूरी वीडियो बनाई, अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी ये पूरे चैप्टर का अभी आधा ही है ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सारा बताना चाहता हूँ कि ये देखो हमारे डे टू डे लाइफ से या सोसाइटी से तो आपको सभी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन नहीं तो हम किसी के बोलने पर आधी आधी अधूरी नॉलेज भी लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, धर्म के खिलाफ होना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है। सो हमको पूरी तरह से समझ होनी चाहिए प्रीवियस में किस तरह से जो वर्ण थे वर्ण से जातीज में कन्वर्ट हो और फिर जातीज के से जो वर्थ के आधार पर जो रिलीजन के सिस्टम पे होता है ओके। सो ये था आज हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स में जाके यस लिख दीजिए ओके, बाकी आगे आपकी जो मर्जी है ठीक है। सो होप कि आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे, पार्ट टू आएगा इसका। सो इसी जोश के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।